बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज हमारे इलाके में एक बहुत ही अहम शख्सियत आ रही है जिसका नाम मौलाना गाजी औरंगजेब फारूकी, कायदे मिल्लत इस्लामिया, फख्र अहले सुन्नत, नौजवान दिलों की धड़कन, खतीब खिताबत, जबले इस्तेकामत, मौलाना गाजी औरंगजेब फारूकी साहब आज उस्मान गनी मोहल्ले नंबर 1 में आ रहे हैं और मगरब की नमाज वही पढ़ाएंगे। मेरे सारे दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि आज मगरब की नमाज जामे मस्जिद उस्मान गनी जियाकंद नंबर 1 में अदा करें और मेरे मुर्शिद का दीदार करें। और ये हमारे टाउन के जिम्मेदार साथी कारी शहजाद मारिया साहब, उनके वालिद साहब का 2-3 दिन पहले इंतकाल हुआ था, उस टाइम पालकी साहब यहाँ मौजूद नहीं थे। आज उनके वालिद साहब की जो है ना ताजियत के लिए आ रहे हैं जियाकंद नंबर 1 उस्मानिया गनी मोहल्ला। इंशाल्लाह मगरब की नमाज वही पढ़ाएंगे। तो मेरे दोस्तों से अपने जमात वालों से और जमात के अलावा जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, जितने भी मेरे यार दोस्त अहबाब हैं, उन सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आज मगरिब की नमाज जामे मस्जिद उस्मान गनी में पढ़ें और आगे मेरे मुर्शिद से मिलें और मेरे मुर्शिद का दीदार करें। आजकल के कितने फसाद के दौर के अंदर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ दाव पर लगा कर दीन का काम करते हैं, अभी अपने बीवी बच्चों को छोड़ के दीन का काम करते हैं, सहाबा की अजमत के लिए भाग दौड़ करते हैं, रात दिन एक करते हैं। तो ये हमारे वो कायद हैं कि जिन्होंने आज तक हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमें बिल्कुल हमारे जितनी भी आज तकरीबन 8 से 10 हज़ार कारकुन हमारी जमात के शहीद हो चुके हैं, आज तक उनकी जमात का सहारा बने हुए, उनके घर का सहारा बने हुए, अल्लाह ने जरिया बनाया हुआ है और उनके जो है उनका पीछ नहीं छोड़ते हैं, उनकी घर के हाल हवाल लेते हैं, उनके घर में राशन वजीफा वगैरह हर साल उनके टाइम पर पहुँचता है। तो ये वो शख्सियत हैं कि उनकी मैं उनसे उनके अल्फाज उनकी तारीफ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है दोस्तों से कि आज मगरिब की नमाज जामिया मस्जिद उस्मान गनी ज़िया कॉलोनी नंबर 1 में अदा करें। ज़िया कॉलोनी आमद पर मैं आज अपने मुर्शिद, अपने कायद मोहतरम मौलाना गाजी औरंगजेब फारूकी साहब को वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, जी आयन और राज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमारे इलाके में आज तशरीफ लाए। हमारे लिए फ़ख्र की बात है, बहुत बड़े एजाज की बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे इलाके की आज रौनक बन रही हैं। आज हमारे इलाके को 4 चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे कायदे मुर्शिद आज तशरीफ ला रहे हैं ज़िया कॉलोनी नंबर 1 उस्मानिया गनी मस्जिद ज़िया कॉलोनी नंबर 1 में। तो इंशाल्लाह ज़रूर आइएगा मेरे कायद मुर्शिद मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब का दीदार करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम। के लिए सर पे कफन बांध के निकले, हैबत से लरलता था कुफर हार के बाजी, हाँ हार के बाजी, बातिल पे चलाते थे ये तलवार सहाबा, कोने में उम्मत के सरदार सहाबा।